लोअर मिडिल क्लास हो भाई। आज आजकल तो आप देख नहीं पा रहे हो कि बंदे कहाँ से कहाँ चालू कर रहे और कहाँ उड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग गिव अप मत करो, और एक चीज़ याद रखो कि भाई अपने पास जितना है ना उसी में चालू करो, और अपने जो भी ड्रीम है जो गोल है ना भाई सब कुछ। अबे भाई मैं सही बताऊँ, आज सबको सब चीज़ मिल जाती है, पर एक चीज़ ना करे ना वो गिव अप। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो गाइस? चलो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जैसे देख सकते हो मैं जिम के बाहर हूँ, है ना। जिम के बाहर इसलिए हूँ क्योंकि बस जा रही है। तो क्या जिम के बाहर इसलिए हूँ क्या, क्योंकि मैं सुबेरे वर्कआउट करने जा रहा हूँ, और सुबेरे वर्कआउट करने का कारण ये है कि मेरी कॉलेज की टाइमिंग चेंज हो गई है। ठीक है, तो कॉलेज की टाइमिंग चेंज होने के कारण मैं भी मतलब सुबेरे 8 बजे आ जाता हूँ। तो अभी 8 बजे 6 बजे का उठा हूँ, तो खाना वाना बनाया भाई, इसके फ्रेश रेश हुआ, ब्रश रश करना, पानी भरना, इसके चक्कर में तो मेरा वो हो गया, क्या बोलते टाइम चला गया। तो 8 बज गए, अभी मैं आया हूँ जिम में। तो अब मैं वर्कआउट करता हूँ, आज भाई से वर्कआउट है। तो वर्कआउट करते पहले जिम से आया था और मैंने मील बनाई और मैंने खा लिया। ठीक है, वैसे सीन हो गया था कि मैं वीडियो बनाने वाला था, पर आंटी जी लोग इधर बात कर रही थी, मेरे आइट साइड में ढेर लोग रहते तो उधर बातचीत कर चल रही थी, इसी कारण जो साउंड है वो देख सकते हो आप, उधर खिड़की खुली है। तो उसके चक्कर में भाई क्या होता कि मैं जो बोलता हूँ आप लोगों को सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो अभी मैं मतलब जिम से आया था, तो मैंने 4 अंडों का ऑमलेट बनाया था। ठीक है, वही बना के मैं हर रोज़ खाता हूँ, बस 2 दिन छूटता है, वो एक रहता है मंडे और सैटरडे रहता है। उस दिन थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, बजरंग बली जी का दिन रहता है, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है, और ऐसा सीन है कि आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़, और दिखाने को कुछ है नहीं, बस यही दिखाते हैं, अब जैसा चल रहा है वही दिखाएंगे और कुछ नहीं। आज बाइसेप वर्कआउट था, तो बाइसेप थोड़ा सा पंप हो गया, मतलब बाइसेप थोड़ा सा यार ऐसा होता है ना कि मतलब इतनी जल्दी मतलब ग्रो नहीं होती, और थोड़ा बहुत अपने को लगता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रही है, इससे बाइसेप था तो बाइसेप दिख रहा है। तो चलो अब क्या बोलते हैं, अभी बज गए 10:30 भाई, हम नहाते धोते क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ एक बाइट ये अंडे ही खाए, अब मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भूख बहुत लगी। सो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ था, मैं 12 बजे खाना खा के सो गया था। ठीक है, खाना खाने के बाद सोने के बाद में तो सोया, उसके बाद मैं उठा
3:30 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मील रेडी करी, इसमें थोड़ा सोयाबीन मूंग और चने और आधा सेब डाला है, ठीक है। ये मैं मील वैसे ही लेता हूँ कितने बजे, मतलब जब मैं कॉलेज जाने को रहता हूँ, मतलब 10:30 बजे कॉलेज लग जाता ना, 10-15 में मील लेके मैं फिर कॉलेज चल जाता हूँ, ठीक है। पर ऐसा हुआ कि आज मैं घर पे था तो मैंने अंडे 2-4 अंडे का ऑमलेट बनाया था, उसके बाद मैंने 11:30 बजे खाना खा लिया, उसके बाद खाना खाने के बाद सो गया मैं, और अब भी उठा हूँ भाई मेरा, मैं क्या बताऊँ। पर अब कोई नहीं, अब 3:30 बजे मील लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का खाना वाना सब हो गया होगा और सोने की तैयारी चल रही होगी, ठीक है। पर कोई बात नहीं, मेरी भी सोने की तैयारी चल रही, पर सीन ऐसा है कि मेरे को लास्ट ब्लॉग एडिट करना था, जो अभी मैं जैसे हर ब्लॉग में मैं थोड़ा सा कुछ भी शेयर करता हूँ, जैसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा एक मतलब मैं लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए मतलब भाई सभी का ड्रीम रहता है, पहली चीज सभी का ड्रीम रहता है, सभी को कुछ ना कुछ ड्रीम है भाई कि मेरे को ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि भाई जो लोअर मिडिल क्लास बनता है, जैसे मैं भी लोअर मिडिल क्लास ही हूँ भाई, ठीक है। तो और मिडिल क्लास बनते लोग मतलब कंपेरिजन करने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर उनका कोई गोल है, ठीक है, उनको कुछ अचीव करना है कि नहीं मेरे को भाई लाइफ में मेरे को ये अचीव करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो उसी से रिलेटेड कोई बंदे को देखते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे पहुँच गया है, तो उससे रिलेट करने लग जाते हैं कि भाई उसके पास तो पैसा है, भाई उसके पास तो फेम है, इसलिए वो कर पा रहा है, उसके फैमिली सपोर्ट है तो भाई वो कर पा रहा है, और मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मेरे पास कुछ नहीं, ना पैसा है भाई, कुछ नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, तो वो बाद में ही गिव अप कर लेता। भाई एक चीज़ मैं बताऊँ, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, ठीक है, अपने को बनाना पड़ता है, ठीक। और भाई लाइफ उसकी अलग है, तुम्हारी अलग है। अब तुम सोचोगे कि भाई मुझे वो बनना है, तो उसके पास सब चीज़ है, उस वो कर पा रहा है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं नहीं कर लूँगा, मैं कर ही नहीं सकता भाई, ऐसा नहीं होता है। बताओ, आप लोगों के पास जीतता है ना, भले आप मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, भाई आजकल तो आप देख नहीं पा रहे हो कि बंदे कहाँ से कहाँ चालू कर रहे हैं और कहाँ उड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग गिव अप मत करो, और एक चीज़ याद रखो कि भाई अपने पास जीतता है ना, उसी में चालू करो, और अपने जो भी ड्रीम है, जो गोल है ना भाई, सब कुछ, अबे भाई मैं सही बताऊँ, आज सबको सब चीज़ मिल जाती है, पर एक चीज़ ना करे ना, वो गिव अप नहीं करे किसी भी चीज़ से, ना पैसे से, ना फैमिली से, किसी से गिव अप नहीं करना अपने को, नहीं यार कि भाई फैमिली प्रॉब्लम है या तो फिर पैसे की प्रॉब्लम है तो भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, भाई कुछ भी करो, पर अपने ड्रीम के लिए तो भाई कुछ तो करो, है कि नहीं। तो भाई जितना है उतने में करो, ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है, आप लोग सोचो, सोचना बहुत बड़ी बात है भाई, सोचना, सोच बड़ी रखो, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि वो भाई उसके पास पैसा है तो भाई वो कर पा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। भाई जितना है उतने में स्टार्ट करो भाई, उतने में स्टार्ट करो और अभी से लग जाओ, ठीक है। तो भाई दूसरे से कंपेरिजन बंद करो कि भाई वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता, भाई सबको सब चीज़ मिलती है, बस करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अपने पास जो है उस पर फोकस करो और अपनी ड्रीम के लिए निकल जाओ, ठीक है। तो यही था व्लॉग, आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना, नहीं लगा हुआ तो डिसलाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।